मार्केट में सबसे ज्यादा शोरूम है, दुनिया लेवल पे इतने नहीं होंगे। वही हमारे शोरूम वाले भाई हैं। बड़ी दिल नो दुआ लोड नहीं करवा सके, यही तो कब तक नहीं आया। लोग दोपहर की तैयारी कर रहे हैं, हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं। बाबा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह पाक का लाख शुक्र, लाख अल्लाह ताला की रहमतें हम पर, आप सब पर हो। और आज का व्लॉग जो है हम शुरू करते हैं। टाइम जो है तकरीबन हो गया यहाँ पर 10 बज गए हैं दोस्तों, और हम जो है अब शॉप ओपन करने लगे हैं। लड़का नहीं आया, काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन काम हो जाता है, आपको ही पता है। वाले साहब मेरे फोट हुए 2020 को, तो 3 साल हो गए तब से मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ यहाँ पर बनवाखिल में, अकेला बंदा ही हूँ। तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, बंदा जब हिम्मत करता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करता है। तो यहाँ पर तकरीबन रोज़ और सुबह सुबह तो ज़्यादा यहाँ पर वकील जो है वो बैठे होते हैं, यहाँ पर डेरा लगाया होता है उन्होंने। और अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हर किसी को मोहताजी से बचाए, अल्लाह ताला जो गुरबत से हर किसी को निकाले। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है किसको किस हाल में रखना है, किसको किस हाल में रखना है। लेकिन ये मोहताजी जो है अल्लाह ताला किसी को भी नसीब करता है। आमीन। काम बहुत ज़्यादा होता है जब लड़का ना आए, कभी इधर का कभी उधर का, कोई ना कोई कहीं मतलब ऐसी चीज़ हो जाती है कि मतलब कि मसरूफियात बढ़ जाती हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। टाइम जो है 10:23 हो गया, एडिटर अब तक नहीं आया, तो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। जो व्लॉग जो है कल वाला मैंने एडिट किया है, 14 फरवरी वाला जो मैंने व्लॉग किया है, आज लगातार दूसरा बना रहा हूँ। ये भी कोशिश करके जल्दी एडिट कराऊँगा, 15 तारीख है आज। तो बहरहाल अब जो डेटा ट्रांसफ़र करके उसको मैं USB में दूँगा, जो PC में एडिट करेगा। है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगे ओ सबर आवे, है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगे ओ सबर आवे, जेड़े मुकदी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे। शबे मेराज रब बोला रुके जिब्रील सिदरात, पर मेरे महबूब नू आखो ओ बिन पूछे आ गुजर आवे, पर मेरे महबूब नू आखो ओ बिन पूछे आ गुजर आवे, जड़े मुख दी है सिख सानू ओ मुख शाला नजर आवे। थोड़ी बहुत वही प्रैक्टिस हो जाती है। 10:42 हो चुके हैं भाई यहाँ पर, और एडिटर अब तक नहीं आया, काफ़ी काम करने वाले हैं, दूध भी लेके आने वाला है। तो लड़का जो है 2-3 दिन तक वो जो मेरे साथ होता है ट्रांसपोर्ट में, वो लड़का 2-3 दिन तक नहीं आएगा। देखें मलेरिया उसका पॉजिटिव है, अल्लाह उसको शिफा दे। कमज़ोर सा है बेचारा, उसको मैंने कहा कुछ खाया पिया करो, थोड़ा सा बर्दाश्त करना भी सीखो, बुखार में भी इसी तरीके से आते रहते हैं। फिर काम करना है, जब बंदा जिम्मेदारी समझ लेता है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसको निभाता है। बड़ा मुश्किल होता है ट्राले को भाई, यार ना कर दिए ट्राले ने, अभी देखते हैं कोई और। फिर रोड के साथ शहर लगते हैं ना, पनवा के लिए यहाँ मोरो है, हैदराबाद है जिनको मेन रोड लगता है, और जो साइड वाले शहर हैं मतलब कि जैसे शिकारपुर या इस तरफ जो शहर, उधर ट्राले नहीं जाते। तो ये सारा सारा दिन भी लग जाता है, कभी कभी ऐसा मसला आ गया, इम्पोर्ट बैन हुई है, ये कार वगैरह उठाते हैं ना कराची से, तो यहाँ पर इम्पोर्ट बैन हुई है, तो इस वजह से जो है वो ये अभी बहुत कम आ रहे हैं, सारा सारा दिन भी लग जाता है। परसों का ट्रैक्टर खड़ा था, वो रात लेके गया है बंदा, मतलब कि चला के ले गया है, अपनी जो है वो टूट गई थी, तो ये मोहसिन ने जो है ना पठान से लेके दिए। वाह वाह सुभान अल्लाह, सारे मुल्क का सामान होता है लेकिन सस्ता मिल जाता है। मुझे उसने नहीं दी भाई, मैंने उसको कहा 600 रुपये, इसने सस्ती लेके दे दी है, वही
क्या बात है यार, कैसे लगी भाई आपको ये? यार जबरदस्त चाय पीनी है इसमें और क्या, पहले वाली तो टूट छूट गई थी, लड़के ने दो तीन तो तोड़ दी है पहले। टाइम हो गया है 12 और वो आ रहे कादरी साहब आज देर से, साहब एडिटर साहब व्लॉग भी एडिट करना है, व्लॉग में टाइम लग जाता है एडिट में। ओ भाई कुछ खैर यार, व्लॉग एडिट करना था जो कल की भरा था अभी कर रहे हैं ना, देर हो गई। शाबाश तेरे, शाबाश, देर हो गई। अल्लाह वालिया मौसर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। सरफ से दे यार एक, जल्दी कर जल्दी फटाफट। सर अब क्या करोगे भाई? दस आला दे यार, कुछ सफाई सफूई करनी ना, आप ही करनी पड़ेगी ना। आ गया चाचू की हाल है? हैं जी भाई, ठीक ठाक यार। मुंडा लड़का नहीं है ना तो खुद ही करना पड़ेगा अभी, कब अब भी धोने। हाँ तो अभी क्या करें, करने में शर्म ना किया करो भाई, कब सब खुद ही धोने पड़ेंगे, लड़का नहीं है, सारा छोटे छोटे काम खुद करेंगे। तो टाइम हो गया है भाई 12:17, कुछ ऐसा सीन चल रहा है, ताला भी देख रहे हैं ट्रैक्टर चढ़ाने और यहाँ पर दूसरे काम भी साथ साथ करने और घर के काम भी करने, अभी काफ़ी चीज़ें रिवील करना बाकी हैं कि हम क्या करते हैं और घर में कौन कौन है, क्या क्या चीज़ें, सारा कुछ रिवील करेंगे। लेकिन आहिस्ता हैं हमारे उस्ताद यूसुफ जिसकी हमने बर्थडे की थी, उनके साथ भी होते हैं तो ये कह रहे थे यार व्लॉग आप क्या व्लॉग बनाते हो, व्लॉग किसके साथ खाते हैं, कहड़ा सालाना व्लॉग, तो वो जरा वा असं दिखाते हैं भाई व्लॉग जो है इसको कहते हैं, ये चीज़ें डेफिनेशन व्लॉग की, अपने बारे में बताना और अपनी असली ज़िंदगी के बारे में बताना। तो भाई देख रहे हैं और हमारा तीसरा व्लॉग भाई एडिट करो यार, जो बस मैं अभी सिकंदर भाई को पहले समझाऊँ व्लॉग के बारे में और दिखाऊँ उसके बाद एडिट कर दो आज व्लॉग जो अपलोड यार आज आप अपलोड करोगे इंशाल्लाह। हाँ चलो ठीक है यार, जल्दी है, चाय पी रहे हैं ना यार, चाय निकालो तो फिर कहाँ, चाय होने नहीं देंगे तो बोल थोड़ा जाता हूँ यार, खोलो खोलो ये भाई थोड़ा सा खोल के ऊपर से सारी चाय ना छोड़ दी कि देख मतलब भी सही है क्या से दोपहर पड़ी ये बाजी बाप ये ऐसे चाय बस थोड़ा चुस्की लेते हैं सुबह सुबह, चाय के बगैर मज़ा नहीं आता, कभी हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाते कुछ ऐसी जगह पर होते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि भैया आपको सारी ज़िंदगी अपनी दिखाएं कि जो भी ये चाय पियेंगे वहाँ मज़ा आएगा। तो आज हमने सोचा है कि जो पन्नू अखिल में सबसे ज़्यादा शोरूम है, तकरीबन मेरे ख्याल में दुनिया लेवल पर इतने नहीं होंगे, चलो पाकिस्तान लेवल एशिया लेवल पर कर लें, इतने ज़्यादा यहाँ पर शोरूम है, तो आपको सारे शोरूम दिखाएँगे। लेकिन ये कह रहा था दूध लेने मेरे साथ चलो, मैंने कहा यार तुम ले आओ जाके, मैंने काम करना है, नहीं कह रहा था भाई चलो साथ में, तो हम जा रहे हैं अभी दूध लेने पर यहाँ से शोरूम शुरू होने लगे, एक साइड दिखाते हैं पहले आपको फिर दूसरी साइड दिखाते हैं, आप गिनते जाइए कितने शोरूम बनते हैं। ये पन्नू अखिल की यहाँ पर मार्केट है और मार्केट सारी देखिए कि किस तरह से बिजनेस मार्केट मेन चौक है, भाई जी चौक इसको कहते हैं, ये शोरूम आप गिनते आ रहे हैं, कुछ नए भी बन रहे हैं ट्रैक्टर के शोरूम जो है ना, एक साइड के पहले दिखाते हैं फिर दूसरी साइड के दिखाएंगे, ये पेट्रोल पंप्स हैं, ये होटल है, ये साथ में हमारा ट्रांसपोर्ट वाला काम। के 42 हो गए हैं, हम सुबह का नाश्ता करने आए हैं, लोग दोपहर की तैयारी कर रहे हैं, हम सुबह की तैयारी कर रहे हैं बाबा। यहाँ से भाई पहले शोरूम शुरू है, दूसरी साइड आपको दिखा रहा हूँ, हम हैंड तक जाएंगे, गिरते हैं ना आप कार का और उसके बाद ट्रैक्टर का, मोटरसाइकिल के शोरूम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ट्रैक्टर जो है आपको दूसरे यहाँ पर मिलेंगे ज़्यादा, मतलब कि आपको एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक जगह पर एक जो है वो प्लाट में बेहतर मिलते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पर आप बताते हैं बीच में मिस्त्री की दुकान भी आएगी, कुछ कारों वाला काम भी, कोई मिस्त्री बैठे हुए हैं, ये शोरूम भी आ रहे हैं, ये बीच में ये सारा सिस्टम ये देखिए शोरूम।
खत्म नहीं हुए, मतलब बहुत ज्यादा ऑप्शन थे। अगर कोई नया बंदा यहाँ पर लेने आए तो उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं। ये देखिए उनका शोरूम फैक्ट्रस के, हम तो ये बिल्कुल शहर के अंदर अंदर दिखा रहे हैं, कहीं पर बाहर भी बना हो, शहर से बिल्कुल बाहर भी, वहाँ पर बिल्कुल शहर के हमने अंदर दिखाया है। यहाँ पर लास्ट शोरूम है शहर के अंदर, ये यहाँ पर ये होंडा एजेंसी आ गई। तो ये बहुत कारोबारी मरकज है, बहुत बड़ा, क्योंकि आपको फुल हमने नहीं दिखाया है बाईपास मनवाखिल का। यहाँ पर बड़े मिस्त्री, बड़े बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर रोजी कमाने। ये भाई हमारे शोरूम वाले भाई हैं, हम इससे आप पूछेंगे कि भाई लोगों को पता लगे कौन से जो हैं वो ट्रैक्टर ज़्यादा चलते हैं। भाई यहाँ पर कौन सी डिमांड ज़्यादा होती है? अगर फीएड के चलते हैं, फोर्ड चलते हैं, ज़्यादा डिमांड किसकी, कौन से ट्रैक्टर ज़्यादा? फीएड चलते हैं, फीएड ज़्यादा। और फोर्ड वगैरह? फोर्ड भी चलता है, फोर्ड भी ज़्यादा चलते हैं। माशाल्लाह। यहाँ पर फीएड ट्रैक्टर जो है वो छोटा फीएड या बड़ा फीएड? छोटा भी बड़ा भी। अच्छा, हाँ दोनों भाई। बड़े फीएड नहीं, यहाँ पर छोटे फीएड की ज़्यादा डिमांड होती है, और बड़े फीएड जो है यहाँ पर बिल्कुल कम चलते हैं, और फोर्ड भी लोग लेते हैं। ऐसा ही है। हाँ, बस बंद करो। 2:23 हो चुके हैं, काफ़ी एक शोरूम से इंटरव्यू लिया है हमने, क्योंकि रोटी वगैरह खा रहे थे काफ़ी लोग, और काफ़ी घूम के आए हैं हम। देखता हूँ किसी पॉसिबल हुआ तो मैं इंटरव्यू लेके आपको बताता हूँ कि किस तरह से क्या मार्केट है, क्या सिस्टम है। लेकिन आपको मेन मकसद दिखाना ये था कि यहाँ पर जो शोरूम्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, ट्रैक्टर कितने ज़्यादा हैं, और लोग लेने वालों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। चार बजे जो है वो चाचा जो है अपने बेटे को छोड़ाता है दुकान पे, और खुद आ जाता है इस वक्त अड्डे पे, आके फिर बैठता है, इंजॉय करता है लाइफ। नौकर हाँ उस्ताद, क्या हाल है उस्ताद आपके? नौकर है बाबा, हम नौकर कामेदार है आपके, कामेदार गुलाम। ये तायर भाई आ गए यूनिवर्सिटी से। वालेकुम सलाम, क्या हाल है तायर भाई? कुछ खैर, मुनावाद में जब तायर भाई किधर जा रहे हो यार? अभी यूनिवर्सिटी से भी आए होगा? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन बाद में चलना होगा वापस। हटाओ यार ये घूमटा, हटाओ। हाँ ऐसे दुल्हन बाहर आ गई अभी, ये चाय तो दो भाई। क्या मस्ती कर गए यार तुम, चाय नहीं देते? बन गई है चाय? दो यार। भाई क्या हो गया, सूख गया, क्या मसला है? बस यार 4-5 दिन लड़का नहीं ना आया, क्या करें? दूसरा कोई खड़ा करो ना। हाँ दूसरा कोई खड़ा करो, बीमार है ना वो यार, आ जाएगा सुबह इंशाल्लाह। बोला तो भाई पैसे दो ना, वो अपने आप को पैसे क्या होगा, फ्री में ला नाम पे काम कर रहा है। 6 बज गए और यहाँ पर सारा दिन हो गया है, और वो ट्रैक्टर हम लोड नहीं करवा सके। ये भाई हो गए तकरीबन 7:27, वीडियो लगी हुई है अपलोडिंग पे, जो ब्लॉग नंबर 3 है। बहुत देर हो गई आज, क्या करें। आ रहा है तीसरा, तो जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे, ब्लॉग अपलोड हो गया होगा जब तक ये वीडियो आएगी मेरी, तो आपने ब्लॉग देखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। साईं भी लगा हुआ अपने चैनल बनवा रहा है, अपने चैनल के ही वीडियो, तो अभी देखते हैं भाई। साईं बन गई आपकी वीडियो? नहीं जी जी, बिल्कुल बन रही है अभी, दुआ करें बनने वाली। और ये सेटिंग करवाने आए और टाइम हो गया है यहाँ पर तकरीबन 8:30। तो भाई हो गए 9:45, मैं जाने लगा हूँ घर, और इमरान भी घर जाने लगा है। अब जाकर मैं कोई वीडियो लिखता हूँ, अपने बनाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर टाइम हो गया 11:56, तो व्लॉग सोच रहे थे, डिनर अपने अभी किया मैंने डिनर, तो मैं सोच रहा था कि अब टेक वीडियो का लिख के और बनाता हूँ, क्योंकि इस वक्त बनाता हूँ 12:01 वीडियो लिख के, और फिर बनानी होती है अगली सुबह के लिए। लेकिन कोई टॉपिक नहीं सोच रहा, टॉपिक लिख लेता हूँ, सुबह टाइम लगा तो सुबह बना लूँगा वीडियो, क्योंकि एक वीडियो मेरी एक्स्ट्रा अवेलेबल है जो सुबह वीडियो एडिटर एडिट करेगा। व्लॉग भी एक पड़ा हुआ है जो मैंने, ये आज वाला, तो ये फिर व्लॉग जो है वो परसों हम अपलोड करेंगे, मतलब कि 16 तारीख को या 17 तारीख को। के लिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।